बिग बॉस ओटीटी की बात करें दोस्तों, तो बिग बॉस के घर के अंदर फुकरा इंसान का गुस्सा फूट पड़ा, सिर्फ पूजा भट्ट पे नहीं बल्कि एल्विश पे भी। अब आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर पूजा भट्ट कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रही है एल्विश को, और एल्विश कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैनिपुलेट होकर फुकरा के खिलाफ भी होते हुए नजर आए। फुकरा को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। अब फुकरा यहाँ पर एल्विश को लेकर ये बात कह रहे हैं कि एल्विश ने कई सारी चीज़ें मेरे बोलने के बाद की है, अब मैं भी उसे ये चीज़ें कह सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है वो बाद में आए और मेरी जिम्मेदारी है उसके प्रति भी। जैसे कि मैं मनीषा और एल्विश दोनों को ये बात कहता हूँ कि ये दोनों मेरे भाई बहन की तरह हैं और मैं हमेशा इन्हें आगे रखता हूँ। साला किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने इन दोनों को कोई कुछ कह दे, क्योंकि मैं सामने आ जाता हूँ और कोई इन्हें कुछ कहता है तो मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा तुमने क्यों कहा। अब दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर फुकरा इंसान यहाँ पर जो है एल्विश की इस बात से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जब वो ये बात कहते हैं कि आप ओपिनियन देने के लिए देते हो, क्योंकि उस जगह आपके ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप ज़बरदस्ती ओपिनियन देने के लिए देते हो। इस पर फुकरा इंसान एक एग्जांपल भी रखते हैं, एग्जांपल रखकर वो बताते हैं कि एल्विश मुझसे पूछने आया था जब अविनाश की और मेरी खाने को लेकर बात हुई थी, जब राशन नहीं आया था इस दौरान वो मुझसे बात करने के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि यहाँ ओपिनियन ऐसी जगहों पर दिया जाता है, और उसके बाद उसने अपने ओपिनियन भी दिए और पूजा भट्ट से भी बात की। मैंने पूजा भट्ट के जो स्टेटमेंट थे उस पर अपना ओपिनियन दिया, छोटे लोग छोटी सोच, क्योंकि मुझे वो डिसरिस्पेक्टफुल लगा। अब वो पूजा की बात मान चुका है और कह चुका है कि हाँ हाँ, मतलब उसके बात का भाव समझो। अरे बात का भाव गया भाड़ में, आप नेशनल टेलीविजन पर किसी को आपने ट्रक बोल दिया तो आपने उस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना लिया और आपने उस बात का भाव समझा ही नहीं। लेकिन छोटे लोग छोटी सोच का कोई भाव होता है, वाह ये बहुत अच्छी बात है। एल्विश को यहाँ तक कि फुकरा इंसान ने ये बात भी कही कि वो पूजा भट्ट के सामने बोलने से डर रहे हैं और सिर्फ पूजा की बात सुन रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि बिग बॉस के मेकर्स जो एल्विश वर्सेस फुकरा कराने की पूरे सीजन कोशिश करते हुए नजर आए वो आखिरी के दो दिनों में करवा दी, कहीं ना कहीं से तो कंटेंट इन्हें निकालना ही है और ये कंटेंट निकालने की कोशिश अब ऐसे कर रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय में बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।